हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। और आज मैं फिर आपके सामने लाया हूं नई अपडेट। तो हमारी पहली अपडेट है, इराक के राष्ट्रपति बरहम सोलेह ने हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? इसका सही आंसर है अदनान जुर्फी। इराक के राष्ट्रपति बरहम सोलेह ने हाल ही में पवित्र सिया शहर नजफ के पूर्व गवर्नर अदनान जुर्फी को नया प्राइम मिनिस्टर नामित किया है। वे निवर्तमान प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी का स्थान लेंगे। मेहदी ने विशाल रैली के बाद दिसंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के कितने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है 80। तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने तैयार किया है। विमान का आधिकारिक नाम तेजस 4 मई 2003 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। इस खरीद से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि विमान का डिजाइन और विकास स्वदेशी तकनीक से किया गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा में पारित विमान संशोधन विधेयक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने नियामक संस्थानों को वैधानिक निकायों में परिवर्तित किया जाएगा? इसका सही आंसर है 3। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि इन संशोधनों से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की आवश्यकता पूरी होगी। इससे भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 3 विनियामक निकाय जैसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यालय और विमान दुर्घटना जांच कार्यालय को ज्यादा प्रभावी बना सकेंगे। इससे देश में विमान संचालन की सुरक्षा का स्तर बढ़ाने में भी हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 20 मार्च। दिवस इंटरनेशनल लाफ्टर डे हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और इस दिवस का विषय है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, मतलब सबके लिए प्रसन्नता। 2013 के बाद से संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को पहचानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा प्रारंभ की थी। इस दिवस को मनाए जाने के लिए भूटान ने ही। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 142। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करके मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से कैसे हटा दिया? पूरा मामला क्या था कि 2017 में यह मंत्री चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल में शामिल हो गए थे और हाईकोर्ट के अनुसार उच्च न्यायालय किसी मंत्री के अयोग्य ठहराने जाने या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित याचिका की स्थिति में निर्णय के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश नहीं दे सकता। वह मंत्री दल बदल कर पुनः मंत्री बन गया जिसका दूसरे मंत्रियों द्वारा कोर्ट में विरोध किया गया था, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने उसे हटा दिया।